सो गाइस, कैसे हो सभी? होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। तो गाइस, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारा इस गेम सन फेयर में आज हम दो चीट कोड बताने वाले हैं। एक है वक्त थ्रू वॉल और एक है मास्टर वॉल का चीट कोड। तो उसके पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे। हाँ गाइस, कि आपको अगर रेयर करने का भी चीट कोड चाहिए तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके बता देना। तो गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हाँ, उसके पहले फिर से वो गाइस मैं बता दे रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर देना। ओके गाइस, ठीक है तो शुरू करते हैं। और ये सब मैंने जो मास्टर बॉल से पोकेमॉन पकड़े हैं वही सब है। तो ओके, पहले तो गाइस मैं आपको पहला वाला चीट कोड दिखा देता हूँ, रुक एक सेकेंड। सो गाइस, आप सब देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं इन तीन चीट कोड में। और सॉरी गाइस, मैं रेयर करने का नहीं दिखा पाया, तो क्योंकि गाइस तीसरा गाइस मैंने वो डिलीट कर दिया। तो आपको अगर पूरा डिटेल्स के साथ चाहिए तो बता देना। और ये रहा मास्टर वॉल का, देख लीजिए 8202584। एक थोड़ा सा गैप देखे, स्पेस देखे 3000001, और ये कोड ब्रेकर में है। ओके गाइस, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो पहले आपको अपने पीसी पे चला जाना है पोकेमॉन का। उसके बाद आपको अपना पीसी का जो अपने खुद के जो नाम से आप गेम में सेव किए होंगे उसमें जाके मेल बॉक्स में आके उधर विड्रॉ में करना। तो आप देख सकते हो मैं रेयर करने भी लिया था, तो आप लोग देख लेना। तो हाँ गाइस, इतने और रुकिए, और एक है वक्त थ्रू वॉल का चीट कोड, ठीक है। सो गाइस, अभी मैंने मास्टर वॉल का चीट कोड जो है वो एक्टिवेट कर लिया। आप देखते हैं मेल बॉक्स पे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं आया है या फिर नहीं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो आ चुका है मास्टर बॉल का। इससे आप जितने चाहे उतने मास्टर बॉल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं एक सेकंड अभी दिखा भी देता हूँ इन्वेंटरी रूम के अंदर जाके, बैक के अंदर जाके। तो कहाँ गए? हाँ, ये देख सकते हैं 45 मैंने जो लिया था उधर से आ गए। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो चीट कोड है, मतलब वक्त थ्रू वॉल का चीट कोड, उधर चलते हैं, ठीक है। तो गाइस, मैं चीट वॉल सेक्शन पे आ चुका हूँ। और वक्त थ्रू वॉल का चीट कोड, उसके पहले मैंने एक बार मास्टर वॉल को अनएक्टिवेट कर लिया। तो वक्त थ्रू वॉल का चीट कोड देख सकते हैं। हाँ गाइस, इसका जो चीट कोड है ये आपके सामने है, तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। और हाँ, इतना ही है। इससे कि क्या होता है गाइस, कि आप कहीं से कहीं पर भी जा सकते, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से आप जा सकते, मतलब घरों के ऊपर से जा सकते, ठीक है। और हाँ गाइस, ये गेम 3 में चलता है, ठीक है ना। चीट कोड आप कोई और देंगे उसके बाद नहीं चलेगा, इसमें ही चलेगा, ठीक है। अब चीट कोड कौन सा टाइप है वो इसको एक्टिवेट कर लिया। चलिए अब देखते हैं, देख सकते हैं। ओके हाँ, ये देखना गाइस अभी क्या होता है। ये देख सकते हैं हम सारे घर के अंदर ऊपर से जा सकते हैं, और ये बिल्डिंग के अंदर ऊपर से, यही है। ये चीट कोड तो वैसे वैसे काम तो नहीं आता। हाँ, कभी कभार कहीं पे ग्लीच हो जाता है, तो उधर से हम इस चीट कोड से निकल सकते हैं। ओके गाइस, ये क्या है, एक सेकेंड। ओके वाह पीजी, ओके मैं इस चीट कोड को एक बार बंद कर लेता हूँ। गाइस, आज का वीडियो होप करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो गाइस, मिलते हैं बाद में। और आपको अगर इसका एक सीरीज चाहिए अलग से तो मुझे